Welcome back to another video, guys, and I hope you guys are doing well in your life. And if not, then make sure you work hard until you reach your goals. हाँ, तो आज है सैटरडे एंड हम लोग जा रहे हैं बाहर. आज घूमने का प्लान है. बेसिकली मेरे को बोला गया था कि सुबह 6 बजे उठना है एंड 6 बजे तक वो पिकअप करने के लिए आएगा. बेसिकली मेरा दोस्त साहिल, जिसने बोला था कि 6 बजे वो पिकअप करने आएगा. हाँ, अभी ऑलमोस्ट 7:30 बज चुके हैं. कोई अभी तक आया नहीं है और ना ही मैं रेडी हूँ. अभी तक बाकी लोग भी रेडी नहीं है. मेरे को सामने से मोहसिन का कॉल आया था. मोहसिन तो अभी नींद में से उठा हुआ लग रहा था मेरे को. एंड साहिल अभी तक उसको पिक करने नहीं आया, मतलब वो अभी तक मेरे को पिक करने निकला नहीं है. तो मैं तब तक जाके पहले नाश्ता करके आऊँगा, फिर आके रेडी होऊँगा. पूरी गाड़ी गंदी हो गई है. हाँ, बारिश में गाड़ी धोने का कुछ मीनिंग बनता ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन गाड़ी धो ली उस दिन और ख़राब करने वाली है बारिश. लो बेटा, गाड़ी स्टार्ट की नहीं कि बारिश आना शुरू. आज वैसे काफ़ी मूडी वेदर है, लाइक बहुत डल डल टाइप वेदर है, इसलिए ज़्यादा नींद आ रही थी. पता नहीं, जब भी बाहर निकलते तब ऐसा वेदर क्यों होता है. काय झाले त्या वाळूला? कुठली वाळू? मी कधी आणलेली वाळू? बघू नाश्ता डन, चाय डन, स्टिल अभी तक वो नहीं है. अब मैं रेडी हो रहा हूँ. तो मैंने पहनी है ये 1 करोड़ की टी शर्ट, ये 10 करोड़ की पैंट और ये 50 करोड़ का जूता. अभी बराबर 8:15 है एंड अब भी भाई मेरे को लेने के लिए है. कभी कभी मेरे को समझता नहीं है कि मैंने दोस्त पाले या नमूने पाले. मोहसिन बोलता है कि भाई मैं कपड़े लेना भूल गया, मेरे लिए ट्रैक पैंट और टी शर्ट भी ले ले. तो अभी उसका भी बोझा कैरी करना पड़ रहा है. किधर गए लोग? बाहर खड़े हैं. अबे इधर रुके ले, मैं उधर ढूंढ रहा. अपन कितने? 4 लोग है, 5 लोग है, कितने लोग है? क्यों? अबे मेरे को व्लॉग शूट करना है. हाँ, सब लोग हाय तो बोलो. हेलो गाइस. हेलो, व्हाट्स योर नेम? मिताली. हाय. तो ये क्या, इसको तो तुम लोग, ये दोनों को, बंदरों को तुम लोग जानते हो. 2 मिनट रुको जरा, इसकी क्लास लेंगे अपन. लवड़े, 6 बज रहे तेरे. हाँ बोला, क्या 6 बजे आने वाला तुम? देखो मालूम है भाई, देखो इसका रायगढ़ का एक्सपीरियंस है मेरे साथ का. तू शांत बैठ ले. तू 6 बजे बोला क्यों मेरे को, ये बता. सुबह 6:30-7 के आसपास तैयार होने को. तैयार होने को बोले, तैयार होने को ये भी नहीं बोला मैं आने वाला. ठीक है ना? ठीक है बेटा, ठीक है. चल जिपिट जिपिट. ये क्या है? खत्म हो गया एयर फ्रेशनर. खाने का है क्या? एयर फ्रेशनर था, खत्म हो गया. खाने का सारे, देखो खाने का. मैं 4 बजे उठला, समझा ना मेरे. देख छेड़ मत. चाहो मैं 6 बजे उठा, ठीक है. मेरे को, मैं सोचा कि मैंने इसको बोला कि तू ना निकलते समय फोन कर मेरे को, ताकि नहीं क्या मतलब थोड़ा मैं उसके हिसाब से स्लीप एडजस्ट करूंगा. लेकिन फिर मेरे को उसके बाद नींद ही नहीं आ रही. मैं सोचा करूँ क्या करूँ. चाय पिया, बेल्ट लगाना है. अरे यार तेरा गाड़ी का टू टू बजता है. रुक जा जरा,
तू तू नहीं अपना चलन भी कटेगा। अरे म्हणते ना आपल्याकडे ड्रायव्हर तशी पडलेले ज्यांना पुण्याचे रस्ते माहित नाही। रोहित मेरे को बोला की तेरे को उठाने के बाद फिर उसको। अरे तो मेरा हम इसके साथ गाना डिस्कस कर रहा था ना, कौन सा गाना लगाने का, तूने तब तक ब्रिज पे चढ़ा भी थी, लॉ कॉलेज रोड डालने को बोला था तेरे को मैंने। मेरे को मालूम नहीं है, अभी भी रॉन्ग होगा रास्ता। नहीं नहीं अभी रॉन्ग नहीं है, अभी थोड़ा दूर है, अभी थोड़ा दूर है, घूम के जाना पड़ेगा। मेरे को वो लास्ट मोमेंट पे दिखा कि अरे बाप रे ब्रिज के साइड में रोड है करके। हाँ क्या लास्ट मोमेंट पे दिखा? हाँ देखो चश्मा है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल वाढवा, दोघे पुढे बसलेले। मेन प्रॉब्लेम काय आहे की मी जर्नी मध्ये मिक्स होऊन जातो असं। अरे पण थोडं त्याला घेऊन जावर तर मी कार देखील इतना याद रख, मैं मिक्स हुआ ना तू कल का सूरज नहीं देख पाएगा। पीछे से खुली जाते क्यों दी ती रिक्शा सर लवड़े ओ मैकडॉनल्ड्स मैकडॉनल्ड्स ऐसे दिखा रहा जैसे क्या? अरे वैली में आए ना तू बोलते हो तेरे को फेमस टाइगर पॉइंट देख रहा चले मैकडॉनल्ड्स दिखा रहा बिल्ली बैठी। अरे त्याला म्हणू सॉरी जरा फिरून यावं लागलं, हे आपले ड्रायव्हर बरोबर नाही मला जा रे झाले उडा 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 उडा। अरे 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 दीदी चुप एक मिनिट, काली बिल्ली रस्ता काटली रुको एक मिनिट। अरे क्या हो गया वो ब्रिज लोगों का ध्यान नहीं है, गाड़ी चलाना मैं तो मिस हो गया, चला रहा है सैम चला रहा था गाड़ी से मेरे आंग पे डालने का कुछ समझा ना, मैं स्टार्टिंग में बोला था मेरे को रास्ते नहीं मालूम। अबे पर तू पुणे में रहता भाई? मैं वानोड़ी में रहता पुणे में, मेरे को वानोड़ी का कुछ भी पूछ। ऐसा ऐसे गली में से गाड़ी निकालेगा ना गली है। ये बेचारा देख उसके मुंह पे, मुंह देख उसका बेचारे का बड़ा कहला बेचारे को इटाए ले रहे इधर उधर से इधर उधर से। भाई मेरे को मालूम नहीं, मेरे को रास्ता नहीं पता, ये लोग घुमाए ले मेरे को। मैं तो सीधा सीधा लेके आया था भाई। एक मैंडेटरी सवाल है ठीक है, बोलो इसको इसको व्लॉग के लिए है ठीक है। ए यार ए हरम खोरे साला, ये कुछ तो बेइज्जती करेगा। नहीं नहीं ये साहिल के बारे में, इसका देख इसका चेहरा देख, वो दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं इसका चेहरा देख। अब मेरे को बता कि ये पहचान अंकल दिख रहा या फिर भैया दिख रहा? अरे जान तू उमर उमर गेस कर उसकी एज, उसको मालूम है मेरी उम्र, उसको मालूम है वो पहचान तो उसको। अंकल दिखता ज्यादा या भैया दिखता? सच बता भाई, आई एम बायस्ड। हां भैया चल यार झूठ बोल रहा तू साले, आई लव यू रोहित हराम खोर। कंटेंट डाल लो क्या अपने भाई। लेकिन मैं रोज ने उसको पहली बार देखी थी ना, अभी मेरी हम लोग की दोस्त है ठीक है, वो एज में इसके इतनी ही है ठीक है भाई। तभी दाढ़ी बड़ी हुई थी यार, तभी अलग केस था। नहीं रे तो भी दाढ़ी दाढ़ी बढ़ना और चेहरा बदलना ये दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। जमीन गाड़ी देख गाड़ी देख सामने गाड़ी चला झगड़ो मत ना कुछ और होने, जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो न्यूज़ में आने के अपन और कुछ। मेरी दोस्त ने क्या बोल दिया, अरे इनको बोल दी सीधा सीधा इनको बोल दी, मतलब भैया भैया नहीं सीधा अंकल, आप इनको इज्जत इज्जत देना शुरू कर दी। और मेरी उम्र पता चलने के बाद भी मैडम आप ही बुला दी वो उससे बड़ी है। हाँ नहीं मेरोज बड़ी थी, सॉरी मेरोज बड़ी थी। हाँ 25 साल की है ना। हाँ हाँ 24 की है मतलब। साले तू पूरे ब्लॉग में मेरी उम्र की बातें करने वाला है? अबे तू चे मेरा कंटेंट भाई। साले रॉयल्टी लूंगा याद रख। इसके पहले हम लोग इधर गए थे रायगढ़, रायगढ़ का टॉपिक चढ़ भाई रायगढ़। अरे भाई रायगढ़ का क्या टॉपिक चढ़ हुए चिड़। अरे यार 1200 किलोमीटर कितना 1200 एकड़ ना रे? हाँ कुछ तो उतना था समर 1200 एकड़ चलने का था। ये भाई क्या बोल के लिए, अरे थोड़ा सा चल ले गए 1200 एकड़ चढ़ने का, चढ़ने का तोड़ेंगे लौड़े चढ़ने का लैंग्वेज मैं बोला था चलना पड़ेगा लेकिन चढ़ने का कम है ये बोला था मैंने। चले हराम मेरी बातों को मैनिपुलेट मत। भाई क्या झूठ बोल रहे हैं भाई, बहुत मुद्दा पकड़ने जाता है, बहुत झूठ बोल रहा है, बहुत झूठ गंदा झूठ बोल रहा है भाई तू। ओके कितना अच्छा मिलेगा
जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक. अभी विट्ठल कामत पे क्या हो गया? धूल लग गई क्या? विट्ठल कामत पे क्या खाने वाले क्या? कुछ खाने के लिए रुके अभी सब लोग तो खाएंगे सब लोग कुछ ना कुछ. क्या खाने का तेरे को? मिसर. अबे विट्ठल कामत पे आके मिसर खा रही तू? कामत में देख इडली वड़ा अच्छा रहता है. क्या क्या रहता है? डोसा अच्छा रहता है. डोसा लेगा मैं. डोसा नहीं रे, डोसा. अबे भरा रहता हमेशा. जगह भी अच्छी खासी पड़ी है, बैठे नहीं थे. अबे उधर से उन्होंने ले सकते ना? हाँ दे सकते ना, ले सकते. पैसे दिए तो दे. क्या लिखे ले? केरला मसाजर. ये देख, देख उधर. करेला मसाजर. और मेरे को बहुत गलत चीज दिख रही है भाई. अरे वो गंदा लग रहा. तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ. करेला मसाजर लग रहा है. गंदे लोग कह रहे हैं कुछ भी सोच रहे. मतलब लोगों ने देखा क्या? देख गंजड़ी लग रहे लगा है. देखो मालूम क्या, मेरे को एक रील आई थी इंस्टाग्राम पे वाइस वाली. जैसे कपड़े पे जो कलर रहता है ना, कपड़ा जो पहनते ना उसके हिसाब से बॉडी पे. हाँ वो ग्रीन वाइट सिर्फ हाथ में था ना. हाँ ले रहे हो किनको? दोनों का तो लेंगे. जाते हो लेंगे ना. मैं उनों में कभी नहीं आता कि मैं रूल खुद बना रहा हूँ. रिकॉर्ड मत करिए. Here comes dosa. ऐसा लगे. कामत में आके भी मिसर खाने वाले लोग है. कामत कशासाठी फेमस है? और नाश्ता चाय पानी डन. अभी सीधा. अभी डेस्टिनेशन पे या फिर किधर रुकने वाले अपन रास्ते में? डेस्टिनेशन पे सीधा निकलेंगे ना पक्का. एक काम तो सुन, पहले अपन लोनावाला जाइए. होता ना अपने जो टाइम रहेगा उस अकॉर्डिंग अपन प्लान करेंगे. पहले लोनावाला टच होंगे उसके बाद. अरे आराम से. ठीक है तो पहले लोनावाला.